बट ये 25 के अराउंड दे रही है। अब ऑटो की इनकी जो लगाई गई है पेट्रोल में, इसका पहले ही थोड़ा सा पावर इशू है और सीएनजी उनमें होने के बाद थोड़ा ही पता चलता है। बस एसी पे आपको स्टार्टिंग में हल्का सा फील होगा, इसमें इतनी जगह बचती है कि आप लोग यहाँ पे मतलब स्कूल बैग या फिर अगर लड़के लड़के ट्रिप पे जा रहे हो तो अपने बैग इजीली रख सकते हो। लाने के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, जिसको सीएनजी लगानी हो तो वो लगा सकता है भाई। 47,500 की, जिसकी रनिंग ज्यादा है के लिए पॉकेट फ्रेंडली है ये। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज हमारे पास आए हैं भाई, थोड़े दूर से आए थे, कहाँ से आए थे भैया? मानेसर से आए हैं और इन्होंने थोड़ा बहुत काम कराना, तो मैंने देखा कि भाई सीएनजी लगी है और आप लोगों के लिए एक ओनरशिप रिव्यू लाना चाहूंगा। कितने किलोमीटर चल गए भैया अभी तो ये? सीएनजी पे ओनली ऑलमोस्ट ये चली गई 700-800 किलोमीटर का एक्सपीरियंस आज की वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले भाई का स्वागत करते हैं अपने चैनल के ऊपर, और भैया आए हैं तो भैया से एक रिव्यू लेना बनता था, एक बार नाम बताओ। पंकज जी आए हैं हमारे पास और भैया मानेसर से आए हैं। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, जो गाड़ी है ना ये BS6 नॉर्म्स के ऊपर आती है और जो सीएनजी किट लगाई गई है वो ऑन पेपर फिलहाल के लिए इस वाले में नहीं चढ़ेगी। नहीं अभी नहीं है, 1 अप्रैल से ये शुरू होगा। तो जो आपने किट लगवाई है ये आपने चेक कर लिया था कि जो किट मैं लगवा रहा हूँ वो चढ़ जाएगी पेपर पे? हाँ जी बिल्कुल चेक कर लिया, क्योंकि उनकी एक लिस्ट आएगी ना कि कौन सी चढ़ेगी करके, तो वो भैया ने चेक कर लिया। मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहूंगा बूट स्पेस, क्योंकि सीएनजी लगाने के बाद सबसे मेन कंसर्न जो होता है सबका वो होता है बूट स्पेस का। तो भैया सीएनजी किट जो आपने इंस्टॉल करी है, सिलेंडर और किट दोनों नई है या कुछ पुराना है? न्यू है। अच्छा ब्रांड न्यू है, दोनों चीजें ब्रांड न्यू लगाई गई है। हाँ जी बिल्कुल। क्या रेट में आ गया था आपका सामान? ये आ गया था मेरे को ऑलमोस्ट समथिंग 47,500 का पड़ गया। 47,500 का। मैं दिखा देता हूँ फिलहाल, ये लवाटो की है और ये कौन सी किट बता रहा था? EMR करके ना कुछ, ESR ब्लू करके जो किट आती है वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसा आता है। सबसे पहले पीछे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि बूट स्पेस के नाम पे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें इतनी जगह बचती है कि आप लोग यहाँ पे मतलब स्कूल बैग या फिर अगर लड़के लड़के ट्रिप पे जा रहे हो तो अपने बैग इजिली रख सकते हो, यानी कि बूट स्पेस अच्छी खासी बच जाती है इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ ये भी बात है, पार्सल ट्रे अगर खोल दोगे तो फिर कुछ भी रख सकते हो, इतना तो है ही कि इसमें स्पेस है। साथ ही साथ ये 12 किलो का सिलेंडर लगाया भैया ने, ये नया सिलेंडर है अपना, और 14 किलो का लगाते तो फिर स्टेपनी पीछे नहीं आती, तो इसीलिए इसके अंदर 12 किलो का लगाया गया, क्योंकि 14 किलो का ना मोटा ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर ये वाला रैक हल्का सा ऊपर करके लगवाते तो स्टेपनी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर बच जाती, लेकिन फिर ये है कि ऊपर की स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जैसे अभी यहाँ पर मिल रही है ना वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो भी एक चीज़ देखने वाली है। जैसे फोल्ड करके तब स्टेपनी, हाँ वो तो है, जैसे अभी नई वाली टियागो के अंदर कंपनी ने लगा के दिया है, तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है कि जल्दबाजी में नहीं निकल पाती हूँ। हाँ ये भी है कि सीधा हाथ लगाया और एक स्क्रू है वो खोला। अच्छा हाँ इसमें जो है ये जो स्टैंड लगता है ना इसमें ये स्क्रू दिया जाता है, ये देख पाओगे, ताकि ये बचता ना रहे, गड़गड़ ना करे, और ये स्टैंड के अंदर इनबिल्ट होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो ये लगा हुआ है स्टैंड, पूरा टाइट है यहाँ पे तो देख नहीं पा रहे। बाकी इधर जो है भैया ने जो फिटिंग कराई है यहाँ देख पाओगे, एक रबड़ स्लीव के ऊपर इन्होंने पहले ये चढ़ाया, उसके बाद इसकी लेंथ कम पड़ गई होगी तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई वो नहीं करी कि भाई पूरा ही चढ़ा दिया जाए, तो ये थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है आफ्टर मार्केट फिटमेंट में। लेकिन कंपनी से जो देखी जाती है फिटिंग वो पूरी आती है, जो कंपनी भी है वो टाटा की बहुत पुरानी गाड़ियाँ जो सब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मोस्टली लवाटो यूज़ कर रहे हैं। ये चेसी के ऊपर देख पाओगे ये होल करके लगाया गया है, नीचे ये लेदर की पट्टी लगाई है कि इसका जो प्ले है प्ले के चक्कर में कभी चादर ना फटे। तो भैया इसमें जो होल करा था वो ड्रिल मशीन से करा था कि वो छेनिया थोड़ा मार के करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी गाड़ी में भी छेनिया थोड़ा मार के ही किया था, लेकिन उसके बाद मैंने जब काफ़ी वीडियो देखी, रिसर्च करा, तो मेरे को पता चला कि ड्रिल करना ना बेस्ट ऑप्शन होता है, वो शॉर्टकट के लिए छेनिया थोड़ा मार देते हैं, बट छेनिया थोड़े से ना वो चादर थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी कभी कभी फट जाती है, तो वो फ्यूचर में क्रैक का रीज़न बन सकती है। बट अभी तक मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1 साल हो चुके हैं, अभी भैया ने नहीं लगवाई है, तो भैया की गाड़ी में अभी मैं आप लोगों को बोनट में चल के दिखाता हूँ कि कैसी फिटमेंट आती है। सो फ्रंट साइड पे आ गए हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है लवाटो की इनकी जो लगाई गई है कंप्राइज प्लेट यहाँ पे दी गई है, जब भी आप फिल कराने जाओगे तो चेक कर सकते हो। 3 साल बाद आप लोगों को सिलेंडर का वाटर टेस्ट हाइड्रो टेस्ट करवाना पड़ता है, तो वो करवाने के लिए ये कंप्लायंस प्लेट फिर आपकी दोबारा से नहीं लग जाएगी। ऑन पेपर नहीं हुई है, बट पंच ऐसी गाड़ी है कि मेरे को लगता नहीं कि कोई पुलिस वाला हाथ देगा, स्पेशली सीएनजी चेक करने के लिए। अभी कुछ हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट? सब कुछ सही चल रहा है अभी? वैसे कोई ऐसे पता तो चलता नहीं चलाने में, मैंने भी चलाई तो ऐसा कुछ खास पता चल नहीं रहा सीएनजी में, ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। वही है कि पेट्रोल में इसका पहले ही थोड़ा सा पावर इशू है और सीएनजी उनमें होने के बाद थोड़ा ही पता चलता है कि भाई हाँ ये पेट्रोल में है सीएनजी में। अच्छा थोड़ा बहुत पता चलता है वो, क्योंकि एक नेगलिजेंस हल्का सा जो है एक आपको 10-15% का ड्रॉप देखने के लिए हमेशा मिलेगा। फिटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कैसी है, ये इसका फिलिंग वेल्व यहाँ पे दिया गया है जो कि ड्राइवर के ऑपोजिट साइड है, उस साइड ड्राइवर साइड है, तो ये ऑपोजिट साइड फिलिंग वेल्व दिया गया है इसका, जो कि यहाँ से आप देख पाओगे। हाँ ठीक है,
और उसी के साथ यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो है अपना पूरी पाइप जा रही है, ये अच्छे से स्लीव में कवर करी गई है। उसके अलावा ये अपना रिड्यूसर है यहाँ पे जो प्लेसमेंट करी गई है, ये अपना गेज है जिसके अंदर से अंदर स्विच में बताएगा वो कि कितनी उसके अंदर गैस बची है, और ये जो है ये अपना इसको सीएनजी फिल्टर कहते हैं ना, हाँ ये है शायद, हाँ ये लवाटो का सीएनजी फिल्टर है अपना, ये इसका ईसीएम है, ये है अपना EXR ब्लू, ठीक है ऐसा क्या मतलब भाई डिफरेंस लगा कि वो नहीं लगवाया ये वाला लगवा लिया आपने? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक तो रेट का डिफरेंस है, हाँ हाँ वो 10,000 रुपए महंगी थी, 10,000 रुपए सस्ता है, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत माइलेज का वो है कि उसमें ज्यादा इसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है, ऐसा पिकअप का सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम आएगा एज इट इज आएगा। बाकी अभी जो है इसके अंदर और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कुछ और आप लोगों को देखने के लिए मिले। इस तरफ जो है ये आपका वो है सेंसर जो कि कूलेंट का चेक करता रहता है कि कब उसको सीएनजी पे स्विच कर देना है। मैनिफोल्ड इसके पीछे और रेल भी इसके पीछे लगाई गई है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, और रेल मैनिफोल्ड के जितना पास हो उतनी अच्छी सीएनजी परफॉर्म करती है, तो ये मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि कैसा रिस्पॉन्स उसका रहता है सीएनजी का, और एक छोटी सी ड्राइव लेंगे और पता करेंगे कि क्या कुछ डिफरेंस आ जाता है पेट्रोल में और सीएनजी में। तो अंदर की तरफ आ चुके हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉर्मल पंच से डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो भैया ने थोड़ा बहुत काम कराना था ये अपना इंटीरियर का और ये स्टेयरिंग का, तो उसके लिए भी आए थे। बाकी भैया काम वाम कैसा है गाड़ी में जो है? काम बिल्कुल अच्छा है, सेटिस्फाइंग, सही है। और बाकी डोर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो है लेदर रैप करा गया, ये पहले शायद व्हाइट कलर में था इस मॉडल के अंदर, ये अपना है एडवेंचर, ये प्योर रिदम है, ठीक है। तो प्योर रिदम में ये कंपनी से मिलते हैं, चार स्पीकर और एक ये मिलता है, साथ में अपना ये मिल जाता है। तो ये भैया ने प्योर रिदम ले रखा है, उसके अंदर सीएनजी लगाई है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि भाई कैसा रिस्पॉन्स आएगा इसका, ठीक है। ये स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट होते ही अपनी एम्बिएंट लाइट भी जल गई है यहाँ पे देख पाओगे, और यहाँ पे देख पाओगे कि ये भी पेट्रोल पे है, तो ये गैस मांग रही है, मतलब ये चाह रही है कि भाई हम इसको एक्सेलरेट करें, अगर भाई एक्सेलरेट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसके भी आ जाती है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेती है, जैसे उसको अगर टेम्परेचर मिल जाता है तो आ जाती होगी, आ जाती है ना। तो अभी भी मैंने इससे पहले देखो, अभी कहीं पता भी नहीं चला, देखो वही मैं आपको बता रहा था, जैसे इसको टेम्परेचर मिल गया, अभी हम ड्राइव करके आए तो इसको मिल गया है, सिंगल पॉइंट बची है, वन क्लिक पे आपका ये पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी, और वन क्लिक पे आपका इसका ये दोबारा सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी, कोई आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी। अभी देखो मैं दोबारा इसको पेट्रोल पे करता हूँ, ये देखो पेट्रोल पे हुई है, आरपीएम एज इट इज है, अब इसको सीएनजी पे करता हूँ, ये देखो हल्का सा ये नीचे गया फिर दोबारा आ गया, शायद नोटिस भी ना हुआ हो, ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। उसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ कि एसी पे कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता, तो एसी हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, तो ये देखो वाइब्रेशन हल्की सी बढ़ जाती है एसी पे, है ना। तो अभी तो वैसे ठंड का टाइम है तो इतना नोटिस अभी हुआ नहीं है, बाकी एक बार मैं एसी ऑफ करूंगा तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई चेंज होता है कि नहीं होता, क्योंकि मेन आरपीएम का ये है जब सीएनजी फिट कर रहे हैं कि आरपीएम फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए, मैंने ऑफ कर दिया, तो आरपीएम अभी भी एज इट इज अपनी जगह पे ही है, कोई फ्लक्चुएशन मेरे को देखने के लिए नहीं मिली है। मैंने ऑन करा एक बारी और, तो अब ऑन करते हैं, देखते हैं ऑन होगा तो ये हल्का सा बिल्कुल इतू सा उठा और वापस अपनी जगह पे आ गया, सेटल हो गया आके, तो ये एज इट इज सेम है। अब एक बारी मैं आपको हल्की सी ड्राइव लेके दिखाता हूँ कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है, वैसे कुछ डिफरेंस लगता है कि नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो ऐसा सच मेरे को फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी सीएनजी जैसे चला रहा हूँ, जो ऑलरेडी सीएनजी ड्राइव करते हैं उनको ऑलरेडी मतलब आदत होती है, ये कह सकते हैं कि पता होता है कि भाई कैसे सीएनजी गाड़ी ड्राइव करनी है। तो भैया के पास पहले भी सीएनजी गाड़ी चला रहे थे आप? मंदिर में पहले चला रहा था। तो कौन सी गाड़ी थी भैया पहले वाली? पहले सेंट्रो थी। वो क्या एवरेज देती थी? वो 30 के आराम से देती थी। 30 की देती थी पर केजी पे, और ये वाली भी भैया ने फिर सीएनजी लगा लिया, भैया कह रहे मेरी रनिंग थोड़ी ज्यादा है, और जिसकी रनिंग ज्यादा हो मैं भी उसी को रिकमेंड करता हूँ कि भाई सीएनजी लगवाओ, नहीं तो कोई फायदा तो है नहीं लगवा के। तो बाकी भाई ने लगवा लिया, ग्रीन फ्यूल है, पैसे बच रहे हैं, गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही है। भाई वैसे एवरेज क्या आ रही है इसकी, थोड़ा सा आइडिया बता दो। एकदम नोटिस मतलब चेक नहीं किया है, बट ये 25 के अराउंड दे रही है, 25 के अराउंड दे देती है। कॉस्ट भी भैया ने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, अगर कोई पंच का ओनर इसको देख रहा है और सोच रहा है कि भाई गाड़ी लूं ना लूं सीएनजी लगाने के लिए, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है कि आप लोग ले सकते हो, बिकॉज देखो कोई इशू आ नहीं रहा। अभी मेन रोड खुला हुआ ना, मेन रोड पे आप लोगों को ले चलता हूँ, इसका पिकअप टेस्ट भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसा रहता है। अभी सेकंड गियर में उठी है गाड़ी, तो ये देख लो, और आप लोग वो भी सुन पाओगे, एक बार सीट बेल्ट लगा लेता हूँ फिर आप सुन पाओगे कि इसके अंदर इंजन नॉइस आता है, कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता। सो सीट बेल्ट हमने लगा लिया है, अब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कोई डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलाने के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि चलाने के लिए तो नॉर्मली लग रही है मेरे को, जैसे नॉर्मल टाटा पंच है मैं चलाता हूँ, आती है क्लाइंट्स की, उनके चलाते हैं तो सेम ही लगती है। अब ये पहला गियर था, ये देखो पहले गियर से दूसरे पे गए, ये देखो ये भी सही चल रही है अभी, ये भी बढ़िया है,
ठीक है मेरे हिसाब से भाई, अगर कोई डेली ड्राइव के लिए देख रहा है टाटा पंच जिसको सीएनजी लगानी हो तो वो लगा सकता है। बाकी भाई ने लगाई थी भाई 47500 की, और अगर कोई चाहता है कि भाई कहाँ से लगवानी है, भाई ने फिलहाल गुड़गांव से लगाई है। हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे भाई आप कहाँ से लगवाएं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप जहाँ से भी लगवा रहे हो वो आपके घर के पास होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई दिक्कत आए अगर सीएनजी में तो आप इजीली उसके पास जाके चीजें सही करवा पाए। भी आपके भी घर के पास है वो? हाँ जी, मेरे घर से कोई 25 किलोमीटर दूर है। किसी ने रिकमेंड करा था कि कैसे आप पहले उसी से लगवाई थी इसीलिए उसी से लगवा ली, दोबारा कैसा था सीन? पहले हमने उसी से लगवाई थी, दो गाड़ियों में पहले लगवा चुके थे। ठीक है, तो इसीलिए दोबारा उसी से लगवा ली आप लोगों ने। तो ये होता है भाई, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई पास वाले बंदों से लगवाओ ताकि कल को भाई ये मिसिंग करे या फिर मैपिंग दोबारा करनी पड़े। मैपिंग करने में कितना टाइम लगा था इसकी? पाँच मिनट लगे होंगे। हाँ बस वही वाली बात है, अगर आप कहीं दूर से लगवा लोगे 5 मिनट के लिए काम के लिए, आपको दोबारा 2 घंटे 1 घंटे कहीं से भी दूर से लगवाओगे तो जाना पड़ेगा। बाकी भाई के पास से हुई थी तो मेरे हिसाब से सही चल रही है, वाइब्रेशंस भी ठीक है, मतलब जितनी है नॉर्मल पंच में उतनी है। बस एसी पे आपको स्टार्टिंग में हल्का सा फील होगा जब इसका कंप्रेसर ऑन होगा कि हाँ कुछ डिफरेंस आया है, बट उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे कंप्रेसर इसका ऑन हो गया तो हाँ पता चल रहा है कि हाँ फील हो रहा है, बट उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सही था। अगर भैया से जानना चाहें, भैया अगर कोई वीडियो देख के सीएनजी लगवाना चाहता है लगवानी चाहिए कि नहीं, एक अपना ओपिनियन दे दो, ओनरशिप रिव्यू जैसे आप चला रहे हो कि हाँ क्या फील हुआ आपको लगाने के बाद? फील तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बट जिसकी रनिंग ज्यादा है तो उसके लिए पॉकेट फ्रेंडली है ये। बस वही वाली बात है, बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। पेट्रोल पे भी वैसे चलनी है और सीएनजी पे भी वैसे चलनी है। मैं रिकमेंड वही करूंगा कि भाई बढ़िया अपना पैसे बचाओ और वो रखो भाई ने। बाकी ये भैया ये स्टार्ट स्टॉप वाला ऑप्शन इसमें चालू है क्या? यहाँ लिखा कहाँ से ऑन ऑफ होता है? ये वहीं से स्टार्ट, ये वाला है क्या? अच्छा ये ऑफ हो गया, वही मैं सोचूं क्योंकि मैं आके खड़ा हुआ ना तो ये ऑटोमेटिक बंद हो गई। मेरे को लगा कि सीएनजी का इशू होगा, लेकिन अभी मैंने लाइट देखी तो पता चला कि स्टार्ट स्टॉप फीचर है, उसकी वजह से ये हुआ है। तो सीएनजी पे मैं रिकमेंड करूंगा ऑफ ही रखो, क्योंकि बार बार सीएनजी पे ऑन ऑफ क्या करना जब गैस इतनी सस्ती है और चलती भी अच्छी एवरेज देती है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई है, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाकी अगर ये कुछ इंटीरियर का या कोई काम कराना चाहते हो आप अपनी टाटा पंच में तो भैया कहाँ पे आ सकते हैं? ठीक है, तो भाई मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो इस वाली वीडियो को। बाकी भैया आए थे वो रही पीछे शॉप और भैया ने काम अपना पूरा कंप्लीट करा लिया अपने। ये थे बेसिक 70 मैट और इंटीरियर थोड़ा सा था जो भैया को हो गया कंप्लीट। अभी भैया को बाय करते हैं, ऐसे कर दो भैया।